नमस्कार, KNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। शहडोल जिले के धनपुरी नगरपालिका क्षेत्र के 28 वार्ड में होने जा रहे द्वितीय चरण के नगरीय निकाय चुनाव के पहले ही भाजपा पार्षद पद के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ धनपुरी रंगमंच पहुंचे, आम सभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस व पूर्व सीएम कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। नगरीय निकाय चुनाव के पहले शहडोल के धनपुरी नगर पालिका में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष माहौल बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ धनपुरी के रंगमंच एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान धनपुरी जनता से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने कर विजय बनाने की अपील करते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। के साथ ये कहने कि कोई चूक ना हो जाए, कांग्रेस आ गई तो योजनाएं भी गई और विकास भी गया, 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने पार्षद खड़े किए, क्योंकि इस बार चुनाव होना है पार्षदों के माध्यम से, पार्षद ही नगर पालिका के अध्यक्ष बनाएंगे और पार्षद ही नगर परिषद के अध्यक्ष बनाएंगे। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताना, और नहीं तो मामा चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये प्रार्थना करने आज अपने अध्यक्ष के साथ मैं आया हूँ। और इसलिए सभी भाजपा के पार्षद बकोह के, धनपुरी के, खान के, व्यवहारी के, अब यहाँ जो हमारे पार्षद के उम्मीदवार है धनपुरी में, श्रीमती रविंदर कौर छावड़ा जी हाथ जोड़ते जाएंगे, भाई शैलेंद्र सराफ जी, सुरेश कुमार लोधी जी, प्रवीण कुमार बड़ोलिया जी, श्रीमती प्रीति राय जी, श्रीमती मंदाकिनी बर्मन जी, श्रीमती सुशीला यादव जी, श्री नर्मदा पटेल जी, बहुत बोल रही है। अरे प्रत्याशी का भाग है।